दोस्तों Redmi Note 11 सीरीज काफ़ी जल्दी मार्केट में लॉन्च हो सकता है और यहाँ पे Redmi Note सीरीज का हर एक फ़ोन आपको साल में दो देखने को मिलता है। यहाँ पे 2020 में केवल हम लोगों को Redmi Note 9 सीरीज देखने को मिला था, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी Note सीरीज के फ़ोन आया है वो साल में आपको दो देखने को मिला है। तो इस साल ऑलरेडी मार्च में एक फ़ोन Redmi Note 10 Pro काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल फ़ोन था, तो इस बार कब ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है पूरी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। और अगर हम लोग Redmi Note सीरीज की इतिहास की बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 5 Pro आपका 2018 में आया था, Redmi Note 6 Pro भी आपका 2018 में आया था, 7 Pro और 8 Pro की बात करें तो ये दोनों फ़ोन 2019 में आया था, और अगर हम लोग 9 Pro की बात करें तो ये आपको 2020 में देखने मिला था, जो कि 2020 का केवल एकमात्र ये Note सीरीज का फ़ोन था। तो कोविड सिचुएशन को लेके यहाँ पे 2020 में हम लोगों को केवल Note सीरीज का एक फ़ोन देखने को मिला था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार Redmi पूरी तैयारी के साथ है और 11 Pro आपके एकदम आमने सामने ही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं Redmi Note 11 सीरीज में क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो सकता है, किस प्राइस पे आएगा, और यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को कंफर्म डेट क्या रहने वाला है लॉन्च इवेंट का। वीडियो में आप लोग बने रहे, पूरे वीडियो देखे, Redmi Note 11 के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स, जितना भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लीक्स है सब आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए हम लोग लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और हम लोग लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक का। आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो Redmi Note 10 सीरीज काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल फ़ोन था और यहाँ पे कस्टमर को ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था, लेकिन यहाँ पे Redmi ने एक गलती कर दिया था कि फ़ोन के साथ आपको 5G नहीं देखने को मिला था। तो पूरे के पूरे Redmi Note 10 सीरीज में जितने भी सारे स्मार्टफोन था उसमें आपको 5G देखने को नहीं मिला था, तो इस बार Redmi 11 सीरीज में आपको हर एक फ़ोन में 5G देखने को मिलेगा और ये कन्फर्म न्यूज़ है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड एंड डिजाइन वाइज ये फ़ोन लगभग आप सिमिलर कह सकते हो Redmi Note 10 सीरीज के ही जैसा होगा, लेकिन कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा इस बार चेंजेज हम लोगों को देखने को मिलेगा। इस बार सुनने को ये मिल रहा है Redmi Note 11 सीरीज में आपको मेटल फ्रेम देखने को मिलेगा, पीछे आपको ग्लास देखने को मिलेगा, फ्रंट में जो डिस्प्ले होगा उसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन होगा, साथ ही साथ बैक में भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये फ़ोन बार शानदार होने वाला है। और जब से Xiaomi यहां पे वर्ल्ड का नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी बन गया है मार्केट शेयर में, तब से यहां पे Redmi काफी अच्छा पकड़ बना लिया है मार्केट में, और ये वाला खिताब Redmi किसी भी हालत से मार्केट से जाने नहीं देने वाला है। मतलब ओवरऑल Samsung Apple की अगर हम लोग बात करें तो Redmi या तो Xiaomi बोल लो आप, यहां पे Mi बोल लो आप, यही कंपनी इस बार मार्केट शेयर भी ज्यादा अच्छे से डील कर पाएगा, क्योंकि फोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग फ़ोन की प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है Qualcomm Snapdragon का 778 प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर होगा, और सुनने को जैसा मिल रहा है इस बार आपको 5G के 13 टोटल बैंड देखने को मिल सकता है, जो कि एक काफ़ी तगड़ा बात होगा। जब तक यहाँ पे अंडर 20,000 की अगर हम लोग इंडिया में स्मार्टफोन की बात करें तो आपको 3-4 ही 5G बैंड देखने को मिलता है, लेकिन Redmi Note 11 सीरीज में आपको टोटल 13 5G बैंड देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इस फोन के बैटरी और चार्जर की बात करें तो इस बार आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 55W का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। हालांकि आपको Note 10 सीरीज में 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिला था, लेकिन इस बार Xiaomi 55W चार्जर प्रोवाइड करेगा विद द बॉक्स। तो अगर हम लोग Redmi Note 11 सीरीज की यहाँ पे मेमोरी वर्जन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 6GB 64GB, जो कि इस बार आपको आउट ऑफ स्टॉक ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 8GB 128GB से ये शुरू होगा और 8GB 256GB तक अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे आपको तीनों के तीनों जो स्मार्टफोन होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट में देखने को मिलेगा। तो Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Max आपको ये तीन वेरिएंट इस बार भी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इस बार कैमरे की डिपार्टमेंट की बात करें तो इस बार Xiaomi बेस वेरिएंट से ही 108 MP का कैमरा प्रोवाइड करेगा, लेकिन हायर वेरिएंट जो होगा उसमें कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा अलग होगा, 108+12+8+5 MP का आपको कैमरा देखने को मिलेगा, और जो बेस वेरिएंट होगा उसमें 108+5+2+2 MP का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग फ्रंट सेल्फी की बात करें तो यहां पे फ्रंट में आपको 32 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा डिपार्टमेंट वाइज भी इस बार Redmi Note 11 सीरीज काफी तगड़ा स्मार्टफोन बनने वाला है। अगर हम लोग इस फोन की सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इस बार आपको MIUI 13 के साथ Android 11 का अपडेट मिलेगा,
और MIUI 13 कहाँ ये जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन होगा, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड होगा और काफ़ी सारे ब्लोटवर यहाँ पे इस बार निकलने वाला है। साथ ही साथ जितने भी सारे बग्स था वो इस बार Xiaomi कम्प्लीटली फिक्स करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने को कोशिश करेगा। यहाँ तक आज तक जितने भी Xiaomi का फ़ोन आया है यहाँ पे फ़ोन में डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे प्रोसेसर, बाकी ये सब सही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं Xiaomi का थोड़ा बहुत मार्केट डाउन हो जाता है उसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेके। तो इस बार Xiaomi इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को काफ़ी तगड़ा बनाने वाला है, तो आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड इस बार Xiaomi के डिवाइस में देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इस फोन की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 10 आपको देखने को मिलेगा 14,000 प्राइस पॉइंट में, Redmi Note 10 Pro आपको देखने को मिलेगा 17,000 प्राइस पॉइंट में और Redmi Note 10 Pro Max जो देखने को मिलेगा ये आपको 20,000 के अंडर में मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्च डेट की बात करें तो एकदम यहाँ पे कंफर्म न्यूज ये आ रहा है 30th नवंबर 2021 को ये फोन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हो Redmi Note 11 सीरीज के बारे में डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसे न्यूज अपडेट आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलता रहे।